नमस्कार दोस्तों बजरंग न्यूज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आपको सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम सबसे पहले देते हैं यह है आपका अपना चैनल है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी का दौर जारी है लेकिन देश के बारह राज्यों में तेज आंधी तूफान और बारिश को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की माने तो के कई राज्यों में भयंकर चक्रवाती तूफान और इसके साथ ही बारिश का दौर देखने को मिलेगा यूपी पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान समेत कई राज्यों में आज से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर पहले से ही शुरू हो चुका है वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश लगातार जारी है भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे भारी रहने वाले कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का एक नया दौर शुरू होने वाला है जी हाँ दोस्तों बात करें 10 से 12 मई के बीच पश्चिमी बंगाल सिक्किम बिहार झारखंड ओडिशा में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है जबकि आज अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश होगी सत्तर से अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आंधी तूफान भी चलेगा ग्यारह मई को मध्य प्रदेश में ओले गिरने का अनुमान जारी किया गया है बारह मई तक राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना है जबकि आज और कल राजस्थान में गर्मी पड़ेगी लेकिन ग्यारह मई की रात्रि से मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा तेरह मई तक महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें क्योंकि दोस्तों पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग राज्यों में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 15 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है तो ऐसे में सावधानी जरूर बरतनी होगी तेरह मई तक तमिलनाडु पांडुचेरी कराईकल तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा तेलंगाना उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक में आंधी तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है कई जगहों पर तेज तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है तेरह मई को जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में भयंकर आंधी तूफान और बारिश तांडव मचाएगी तो तेरह मई तक जम्मू लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सावधान रहें वहीं बारह और तेरह मई को उत्तर प्रदेश हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में बारिश की चेतावनी जारी की गई है कई इलाकों में चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने और हल्की से मध्यम जबकि कहीं कहीं पर तेज दर्जे की बारिश होने की जो संभावना है वह भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड बिहार में भारी बारिश और बंगाल में कई जगहों पर आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में आज बारिश का अनुमान है पश्चिम बंगाल सिक्किम बिहार झारखंड ओडिशा में दस से बारह मई के बीच आई ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है जबकि अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रुपुरा में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली और एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बारिश के, बारिश के, बारिश के बाद बुझ गई है इससे आसपास के लोगों को बड़ी राहत मिली है लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं बिहार बंगाल ओडिशा ही नहीं दक्षिण भारत के राज्य भी गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं लेकिन अब यहां पर गर्मी से और लू से रात मिलेगी और कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम जबकि कहीं कहीं पर तेज दर्जे की बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा जिसको देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है अब बात कर लेते हैं देश के कौन कौन से राज्यों में आंधी तूफान बारिश आएगा काम काम पर कैसा मौसम रहेगा तो इस वीडियो में आपको आगे बिहार मध्य प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली जम्मू कश्मीर उत्तराखंड महाराष्ट्र गुजरात समेत दक्षिण भारत के राज्यों की जानकारी देंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा बिहार के 27 जिलों में आंधी तूफान और वज्रपात के साथ बारिश का अलर्ट जारी जी हाँ दोस्तों बिहार में बारिश का दौर जारी है इस वजह से दिन में ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं राज्य का तापमान बीते दो दिनों से छः डिग्री तक कम हो गया है गर्मी से जूझ रहे लोगों को मौसम में बदलाव की वजह से रात की सांस ली है लेकिन राहत के इस मौसम में बिजली गिरने का खतरा भी मंडरा रहा है मौसम विभाग ने 10 और 11 मई के लिए बिहार के 27 जिलों में तेज आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग की माने तो 10 और 11 मई को बिहार के राजधानी पटना सहित 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने एक्स एक्सप्रपोस्ट कर पटना सहरसा मधेपुरा सुपौल अररिया किशनगंज नालंदा शेखपुरा नवादा गया जमुई बांका जहानाबाद लखीसराय बेगूसराय मुंगेर सीतामढ़ी शिवहर बागलपुर, खगड़िया पूर्णिया कटिहार समस्तीपुर वैशाली दरभंगा मधुबनी और मुजफ्फरपुर में तेज़ बारिश की चेतावनी जारी की है वहीं बाकी के ग्यारह जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का भी अनुमान है आईएमडी के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि उत्तर मध्य उत्तर पूर्वी और दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी बिहार के जिलों में आज तेज़ बारिश होने की प्रबल संभावना है वहीं आंधी तूफान और वज्रपात की भी पूरी चेतावनी है ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है वज्रपात लोगों की जान को नुकसान पहुँचाता है इसलिए खराब मौसम में घर में ही रहने की सलाह दी गई है और जब आप यहाँ पर ज़्यादा बिजली चमक रही हो ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा रहेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर बारिश होगी कहाँ पर आंधी तूफान आएगा भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आंधी तूफान और ओले गिरने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर जारी की है जी दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की तो मध्य प्रदेश में आने वाले चौबीस घंटे के दौरान मेहर नरसिंहपुर जबलपुर कटनी उमरिया सैडोल अनूपपुर सतना मऊगंज रीवा सिद्धि सिंगरौली मंदसौर खरगोन खंडवा राजगढ़ सिद्धि और इसके अलावा सीहोर विदिशा भोपाल सागर दमोह पन्ना श्योपुरकला दतिया ग्वालियर शिवपुरी अशोकनगर गुन्ना नीमच आगरमालवा साजापुर देवास उज्जैन रतलाम धार इंदौर जाबुआ अलीराजपुर बड़वानी और हरदा में चालीस से साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने और हल्की से मध्यम बारिश की जो आशंका है वह जाहिर की है अगर बात करें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मौसम की तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाँच दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है देश में गर्मी के मौसम के बीच 20 राज्यों में बारिश बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने जारी की है मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे के दौरान जो है महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश समेत तेईस राज्यों में इस बार जो है मानसून की अच्छी बारिश होगी मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले तीन दिनों के दौरान महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश आएगी और कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है तेरह से तेरह मई तक छः राज्यों में बिजली गिरने का अनुमान है जबकि तीन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है केरल कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश होगी जबकि हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी चलेगी चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आंधी के साथ हवाएं चलेंगी वहीं उत्तराखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में बिजली गिरने का अनुमान जारी किया गया है जबकि राजस्थान पंजाब हरियाणा में अभी मौसम साफ रहेगा भयंकर गर्मी अपना असर दिखाएगी लेकिन 11 मई से यहां पर मौसम में परिवर्तन आना शुरू होगा और कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ जो है कई जगहों पर तेज आंधी तूफान देखने को मिल सकता है जिसको देखते हुए भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है तो देश के तमाम राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं दोस्तों तो यह आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम की सही और सटीक जानकारी सबसे पहले दी जाती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकून को जरूर दबाइएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें पल पल के अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे धन्यवाद